1906 में सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया था, जिसकी वजह से करीबन 25,000 बिल्डिंग ढह गई थी, 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए थे और 500 से 700 लोग मर गए थे, जिसमें 3 लोग वो भी थे जो एक होटल की बिल्डिंग के ऊपर चढ़े हुए थे जब उस बिल्डिंग में आग लग गई। और आग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया उनको रेस्क्यू करना, और जब हर चीज़ ट्राई कर ली उनको बचाने के लिए और पता चल चुका था कि अब ये जलने ही वाले हैं, तब मिलिट्री ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया कि इन्हें जलता हुआ देखने से अच्छा है इन्हें गोली मार देनी चाहिए, और उनको गोली मार दी गई थी। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट वीडियो नंबर 59। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडी के मुताबिक इंसानों को डॉग्स और उनके पपीज से ज़्यादा सिंपति रहती है, उनको अब्यूज होता हुआ वो नहीं देख सकते कंपेयर टू ह्यूमन। अगर किसी इंसान को मारा पीटा जा रहा होता है तो उसे वो देख सकते हैं, लेकिन किसी डॉगी को पीटा जा रहा हो तो वो ये नहीं देख सकते और वो तुरंत रोकने पहुंच जाते हैं। और ये जहां तक मेरा ख्याल है ये सही भी है, क्योंकि जब भी किसी चोर को पकड़ा जाता है तो बाकी पब्लिक भी उसे आके मारने कूटने लग जाती है। यहां तक कि एक इंसिडेंट भी सामने आया था इंडिया के अंदर, जब एक आदमी ने थोड़े से चावल चुराए थे खाने के लिए क्योंकि वो भूखा था, तो उसको पीट पीट कर लोगों ने मार ही डाला। जब यूएस के अंदर द हंगर गेम्स और ब्रेव जैसी मूवी रिलीज हुई थी 2012 में, तब वहाँ की महिलाओं ने आर्चरी सीखने में इंटरेस्ट दिखाना चालू कर दिया था, और इसमें करीबन 105% की बढ़ोतरी हुई थी यूएस के अंदर। दुनिया का सबसे देर तक जलने वाला बल्ब 1901 से जल रहा है कैलिफोर्निया के लिव मोर प्लेजेंटन फायर डिपार्टमेंट में। इसको सिर्फ 1976 में 22 मिनट के लिए बंद किया गया था, जिसके बाद में इसे चालू कर दिया गया, और इसके नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है सबसे ज़्यादा देर तक जलने का। वैसे तो ये 60 वाट का बल्ब था, लेकिन ये धीरे 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 डिम होता चला गया, और आज के वक्त में ये 4 वाट के बल्ब जितनी रोशनी ही दे पाता है, डिम हो रहा है धीरे धीरे। जर्मनी के अंदर एक बिल्डिंग है जिसको बोला जाता है द कोर्ट यार्ड ऑफ एलिमेंट, जहां पर उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है जब बारिश होती है तब उस बिल्डिंग में से म्यूजिक बजता है, उसके ऊपर जो बूंदे गिरती हैं तो वो एक अलग सा ही म्यूजिक बजाती है। जर्मनी के अंदर कई रेड लाइट ऐसी हैं जहां पर आप मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हो सामने वाले बंदे के साथ में, जो उस तरफ इंतजार कर रहा है कि कब रेड लाइट हो और मैं रोड पार करूं, आप इधर से इंतजार कर रहे हो तो वहां पर आप मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हो, क्योंकि खंबे पे लगा हुआ एक छोटा सा कंसोल जिसमें है टेबल टेनिस और पिंग पोंग जैसी गेम, उसको खेल कर आप अपना थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकते हो। वहीं पे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के खंबों में तो तारे ही निकली होती है, नंगी उसको छूना मत वरना रेड लाइट आपकी जलेगी। और ऊपर से मैं चाहता हूँ कि रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरीके के गेमिंग कंसोल होने चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है ट्रेनों को। एडिडास ने 2017 से एक नई मुहिम चालू कर दी है, जिसमें ओशियन से जितना भी कूड़ा कचरा निकाला जाता है वो उसको रिसाइकल करके जूतों में तब्दील कर रहा है। अब तक उसने करीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा पेयर ऑफ शूज़ बेच दिए हैं जिनको उसने कूड़े कचरे से बनाया है। इसमें करीबन एक पेयर को बनाने में 14 से 15 बॉटल्स का यूज़ किया जाता है। दुनिया के सबसे छोटे रूट की कमर्शियल फ्लाइट होती है सिर्फ 50 से 60 सेकंड की, जो वेस्ट्रे से पापा वेस्ट्रे को जोड़ती है, जो ये 2 आइलैंड है स्कॉटलैंड के अंदर। इनका डिस्टेंस सिर्फ 2.7 किलोमीटर का है, जो ये फ्लाइट उड़ने से पहले ही ख़त्म कर डालती है 50-60 सेकंड में, और यही बताना था। अगर आपने बॉलीवुड की पुरानी मूवी देखी होगी तो उसमें अक्सर हथकड़ी दिखा देते थे यूं एंड में, दी एंड टटैं, और कई बार रिश्तेदारों को हथकड़ी पहनाते हुए लेके जा रहे होते थे कि भाई तूने गुनाह किया है, मैं फर्ज से हट नहीं सकता, तेरे को तो हथकड़ी पहनानी मांगती है, लेके जाता था उसे। लेकिन असलियत में पुलिस किसी को भी हथकड़ी नहीं पहना सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया था कि किसी को भी हथकड़ी नहीं पहनानी है जब तक वो मुलजिम साबित नहीं हो जाता, या फिर जब तक रिस्क नहीं है इतना बड़ा कि ये कहीं भाग ना जाए। तो इस वजह से हमेशा हाथ पकड़ के ही पुलिस लेके जा रही होती, क्योंकि ये उनकी डिग्निटी के खिलाफ है कि मान लो कोई मुलजिम नहीं है और उसको तो पुलिस हथकड़ी पहना के उसके घर मोहल्ले से लेके जा रही है और सब लोग हाय रब्बा कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता। जिस वजह से जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देता कि ये मुलजिम है तब तक उसे हथकड़ी नहीं पहनाई जाती। यूरोप के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है एंडोरा, और शायद कईयों ने इसका नाम भी ना सुना, और यहां पे कोई आर्मी नहीं है। लेकिन एक लॉ है कि हर एक घर के अंदर एक राइफल होनी चाहिए, और अगर आपके घर में राइफल नहीं हुई तो पुलिस वाले खुद देने आएंगे आपको कि रख बेटा, इन केस जरूरत पड़ जाए, धोरे की कंट्री अंदर बढ़ जा तो तू
चला तो लेगा इसे। जापान की पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती चली जा रही है। करीबन 2010 से लेकर अब तक उनकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां पे एक नई चीज चालू की गई है जिसे बोलते हैं स्पीड डेटिंग, जिसमें वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी जोड़ियां बने और बच्चे बच्चे पैदा हों जिससे उनकी पॉपुलेशन बढ़ सके। अब यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा मैं शिंजो एब से, भाई इनसे नहीं हो पाएगा, इंडियन से मैरिज करवाओ, इनकी वीजा लगवाओ हमारे लॉन्डो का। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।